ਪਿਆਰਾ ਪੈਣਾ ਮਾਰੇ ਚਮਕਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀ ਫਲੈਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨਹਿਰੇ ਦਿਨ ਸੋਲੇ ਲਿਆ ਦੀਏ ਜਬੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗਾਡੀ ਰਿਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗੇ ਕੀ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗੇ ਕੀ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੌਸੀ ਕਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ और जो वो मेरे घर के ऊपर से प्लेन लेके जाता है ना तो मैं उसको हाई करता हूँ और वो पता है मेरा हाई का रिप्लाई कैसे करता है प्लेन को ऐसे टेढ़ा करके अच्छा रे मैं भी पायलट है फिर तो मतलब बस तेरे मोस्टी वाले की जो मेरा मामा वाला जहाज उड़ावे और जब वो मेरी छात पर जावे मैं उधर नू कर राम राम दिया करूँ और वो जहाज में मेरे उरेत काट के और कान में नू रुक्का मारेगा राम राम बुहारे क्या जाए भाई कुछ भी यार आप देसी होगा ना बातों में कोई तोड़ नहीं है मैं चला भाई अरे तो मजाक करूँ किसने करा था रुक जा मैं भी आ रहा हूँ कल जुगलबंदी में आज पाँच भेड़िया मत गांव मार आ जा हाँ सॉरी बोलता हूँ मैं उसके लिए वैसे अजय भाई आप एक बात बताओ आप सारे दिन लकड़ी से दांत साफ करते रहते हो आपके दांत घिसते नहीं है क्या अरे ब्रश वगैरह यूज किया करो पागल है कि तू ये कोलगेट ब्रश तो ही चाल ले बड़े बुड्ढा सदा दांत तड़ते ही दांत घिसे दांत कड़क भी रहेगा चमकदार भी ये तो आजकल के बालक बोल रहे हैं चीजें ना तो इनका तोड़ना है भाई भाई वो देखो अरे वाह ये बना दी रब ने जोड़ी देसी गबरू और शहरी छोरी अरे मैं के करूं इनके बीच में रहके अब तो आगे देखते हैं कि स्टोरी में होता क्या है अरे योगित भाग गया थैंक यू सो मच आपने मेरी जान बचा ली वरना वो गाड़ी वाला तो आज मुझे उड़ा ही देता अरे जी थोड़ा देख के चल करो गांव में यो पी खा के बतेरे डोल रहे हैं वैसे पहले आपको कभी देखा नहीं यहां पे हाँ वो एक्चुअली मैं अपनी बुआ के घर आई थी और यहीं पास में मेरा एग्जाम सेंटर था बस एग्जाम दे के उनके घर ही जा रही हूँ वैसे मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम मैंसी है और मेरा नाम अजय चौधरी है जी ओके मिलते हैं आपसे बाद में बाय अरे राकू मैंने उस दिन तुझे बताया था ना कि एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी ये रहा वो लड़का और दूर दूर तक मारी खूब दाक से घर का जुगाड़ भी ओ ठीक ठाक से काट मारे किसे तारे किसे बात में पर खमे खमे आज तक यार ना अड़ा दौड़ा कुड़ता पजामा और बुलट तड़े एक हाथ में रमा का दिया यो कड़ा हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में कितना काम करता है ना ये इतने सारे खेत संभालता है और मैं इतने दिनों से इस गांव में हूँ कभी भी इसको इधर उधर बेफालतू में घूमते हुए नहीं देखा है अरे यार ये तो कुछ का कुछ समझ रही है इसे इसको क्या पता ये गांव का देसी लड़का है और इसको ये सब करने में मजा आता है खैर छोड़ इसकी ना फिरकी लेता हूँ मेरा भी टाइम पास हो जाएगा अच्छा एक बात बता इसने तेरी इतनी हेल्प करी तेरी जान बचाई और तू सिर्फ थैंक्स बोल के आ गई अरे उसके पास जा उसकी थोड़ी हेल्प करा कहीं घूमने फिरने का प्लान बना उसके साथ हाँ यार तू कह तो सही रहा है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए एक काम कर तू जा बाकी का काम मैं संभाल लूंगी ठीक है जा सही है अब स्टार्ट होगी इनकी लव स्टोरी हाय अजय अरे राम राम वो तुमने उस दिन मेरी मदद की थी ना तो आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी अरे पागल है तेरे बस टोने हो वैसे मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता पर मैं ये कर लूंगी जो तुम कर रहे हो तो पागल है तू अपने मेकअप की बुरुश चला ये फावड़ी चलाना तेरे बस की ना है दोस्ती में इतना तो करने दो हटो मैं करूंगी तेरे दुनिया में लिया घूम मिली मने इसी लुगाई को ना कितनी सुतरी जान शक्ल की दई दखाई को ना दर्द समाई कोन्या कुआरा पण ते
अच्छा अजय सुनो, कल कहीं घूमने चलते हैं ना? कल प्यार मन खेतम खाद गिर खान है। देखो अब तुमने दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी। अच्छा ठीक है यार, चल लेंगे। ठीक है। ओहो, नई बाइक, वो भी बुलेट। लेकिन किराए पे लाने की क्या जरूरत थी, मुझे बोल देते मैं अपनी स्कूटी ले आती। और ये कपड़े उसी दोस्त के है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। अरे ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, क्या बोले जा रही है? अब सोच क्या रहे हो, चलो। अच्छा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं वेट करना। मेरा तो आज कॉलेज का सारा काम खत्म हो गया, तो मैं तो घर जल्दी जाने वाली हूँ। चल ठीक है, बाद में मिलती हूँ। तू इसके साथ जा रही है? हाँ। तूने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, बताया भी नहीं। तू पागल हो गया क्या? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है। तू इसके साथ जा कैसे सकती है? इसमें से तो गोबर की बदबू आती होगी। एक काम करियो, एक परफ्यूम दिला दियो इसको। जस्ट शट अप ओके। तू होता कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी। क्या हुआ अगर उसमें से बदबू आती है गोबर की या फिर चारे की? मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। और क्या कह रहा था तू कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए आज के बाद हिम्मत मत करियो इसे कुछ भी बोलने की। लड़की तो बहुत अच्छी है और जरा सा भी घमंड नहीं है उसमें, और मुझे कितना समझती हुई है वो, और उसके भी मन में कुछ ना कुछ तो है मेरे लिए, तभी तो उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला था। एक काम करता हूँ, कल उसको बुलाकर प्रपोज कर ही देता हूँ। अजय यही तो बुलाया था, कहाँ रह गया? अजय अपनी आंखें मत खोलना, अब अपनी आंखें खोलो। नैन्सी, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था। पर ये बात मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लग रही थी, पर ना मैं हिम्मत कर पा रहा था। पर अब जाकर मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर मुझे लड़की कोई मिल ही नहीं सकती, इसलिए आज बहुत हिम्मत करके ये बात बोल रहा हूँ। आई लव यू। अजय ये सब क्या है? क्या हुआ तुम्हें, सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं है, पर तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? अजय तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए हमारी कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो और मैं तुम्हें अपनी छोटी से छोटी बात बताती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे बीच कुछ हो। पर कल तो तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताया था अपने दोस्त के सामने। क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा था, उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ बोला, ताकि मेरे जाने के बाद वो तुमसे कुछ भी बदतमीजी ना करे। तो यार वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, इतना कौन करता है किसी के लिए? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम ये बात मानने से इनकार क्यों कर रही हो? यार तुम इतना सोच भी कैसे सकते हो? और अगर तुमने सोच ही लिया था तो क्या तुमने ये सोचा कि हमारा स्टैंडर्ड भी मैच करता है? तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोल के तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी? तुम ठहरे देसी गवार? यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब तुमने हमारी दोस्ती भी खराब कर दी है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो किराए पर बुलेट और शहर ले जाकर घुमाना फिराना, अब समझ में आ रहा है सब। बड़े बुड्ढा ने ठीक कही है, जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन खोजती है, और उन बच्चों की अच्छाई के लिए एक मेरी माँ और एक बड़े बाबा। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो सर। इस बार बरसात की वजह से ना फसल खराब हो गई है,
और मैं फीस पे नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप मेरी फीस माफ करवा दीजिए। देखो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, कॉलेज के चेयरमैन नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन? अरे चेयरमैन तो तुम्हारे गांव के ही है ना, एप्लीकेशन लेके जाओ और उनसे साइन करवा लो, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है सर, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ अभी। राकू यार मेरी स्कूटी खराब हो गई है और मुझे कॉलेज जाना है, तो तू प्लीज मुझे छोड़ देना। देख कॉलेज तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर उससे पहले ना मेरे को पेपर साइन कराने, उसके बाद कॉलेज छोड़ूंगा। कौन से पेपर्स? अरे मैं बता दूंगा, चल बैठ तू। भाई राम राम भाई, इन पर सिग्नेचर चाहिए थे आपके। राकू तो इसके पास क्यों आया है? और इस गवार के सिग्नेचर्स की जरूरत क्या पड़ गई थी तुझे? अरे तू पागल है क्या? गवार नहीं है ये, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। अपने कॉलेज की जो जमीन है वो सारी इन्हीं की तो है। क्या मतलब? इसके पास बहुत सारा पैसा और ये सारी जमीन इसकी है? अरे आसपास के गांव में सबसे ज्यादा जमीन है इनके पास, यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं ये। अजय आई एम सॉरी यार, उस दिन के लिए अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे नहीं करती। अरे नाना तूने जो करा उस दिन बहुत सही करा, मैं तो इस दिखावे को प्यार समझ बैठा था, पर तूने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। अगर तुझे मेरी सच्चाई पता होती तो तू मुझे कभी ना नहीं कहती, पर वो कहते हैं ना ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। I'm sorry यार, please मुझे माफ कर दे, and I really love you। बाबा बोला नाम और पैसा तेने बटेरा दिया, पर कदे मेरे में घमंड ना आवे, और घड़ी हर वक्त तेरा इम्तिहान लिए, और बेशक एकला राख दी बाबा, पर कदे ऐसे दोगले यार और ऐसा झूठा प्यार ना दिया। और हाँ रही बात स्टैंडर्ड की, तो पढ़े लिखे हम भी बते हैं, ये वजह से गांव वाले टैग आज भी लगा कर रखे हैं, और अपने स्टैंडर्ड की मरोड़ की तो और दिखाइए, क्योंकि हमारे आगे तो सरकार की ना चलती, क्योंकि हम उस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं जिन्हें पढ़ने में गर्मी और किश्ती में जाड़े काट दें। राम राम। छोरा चिल करे फन करे ले रिया स्वाद है, मर्जी का मालिक यो बंदा आजाद है, पीठ पीछे करे जो बुराई सुन लियो, फर्क मेरे है कति पड़ता नहीं, ओ भाई तेरा डरता नहीं, लोका का पानी कदे